أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق برادران اسلام خواتین ملت اللہ کا بڑا فضل ہے احسان ہے کہ محض اللہ کی توفیق اس کے احسان اور اس کے فضل سے آج ہم یہاں جمع ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہماری ان مجالس کو قیامت کے دن میزان حسنات میں شامل فرمائیں آمین برادران اسلام جیسا کہ آپ نے سنا کہ خواتین اسلام کے لیے دین علم کی اہمیت اور اس کی ضرورت اس عنوان پر مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں سب سے پہلی یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ چاہے مرد ہو یا عورت دینی علم کا حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے گویا کہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے مرد اور عورت کے لیے دینی علم کے حاصل کرنے کو فرض اور واجب قرار دیا ہے فرض اور واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ادا نہ کیا جائے اس میں کوتاہی کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں آدمی گنہگار ہوتا ہے کوتاہی کرنے پر اس کے چھوڑنے پر آدمی گنہگار ہوگا اور اگر حاصل کر لے اس کو لازم پکڑ لے ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا کرے گا تو گویا کہ دینی علم اگر کوئی آدمی حاصل کرتا ہے تو ثواب ملے گا اور اگر کوتاہی یا اس کو ادا نہ کرتا ہو تو ایسی صورت میں گنہگار ہوگا لیکن جس علم کو نبی علیہ السلام نے فرض قرار دیا ہے وہ کون سا اور کتنا سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرض قرار دیا ہے وہ دینی علم ہے دنیاوی نہیں اور کتنا اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے واجب ہے جس سے رب کے اوامر کو بجا لائے اللہ نے جو فرائض اس پر اتارے ہیں
जो अहकाम शरीयत बयान किए हैं उन अहकाम शरीयत को बजा लाने के लिए जितना इल्म जरूरी है उतना इल्म हासिल करना उस पर वाजिब है, फर्ज है। जैसे अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया कि सलात अदा किया करो, सलात को अदा करने के लिए गुस्ल और उसके साथ वुजू और उसके जो वाजिबात हैं जो सुन्नतें हैं इनका इल्म होना जरूरी है। जकात का अल्लाह ने हुक्म दिया, जकात के फराइद क्या हैं, निसाब क्या है और कहां अदा करना है, इसका इल्म होना जरूरी है। सियाम का अल्लाह ने हुक्म दिया कब से कब तक और किन चीजों से परहेज करना है, इसका इल्म होना जरूरी है। कोई हज करना चाहता है तो हज का तरीका मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि जिस इल्म को हासिल करने को फर्ज करार दिया गया है वो दीनी इल्म है, दुनियावी नहीं। और कितना फर्ज है, उतना कि अहकाम शरीयत को अदा कर सके, बजा ला सके, उसको अंजाम दे सके, उतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब और फर्ज है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दीन इल्म के हासिल करने को फर्ज करार दिया तो सहाबा और ताबईन, तबे ताबईन और उनकी जो ख्वातीन थीं वो इल्म को हासिल करने की शौकीन थीं, उनमें तड़प पाई जाती थी, शौक था। इमाम बुखारी रहिमहुल्ला ने ख्वातीन के ताल्लुक से तीन अबवाब जिक्र किए हैं। सबसे पहले किताबुल इल्म बयान किया कि इल्म हासिल करने पर जो हदीसें आती हैं उनको किताबुल इल्म में इमाम बुखारी रहिमहुल्ला ने जिक्र किया और किताबुल इल्म के तहत तीन अबवाब खास किए ख्वातीन इस्लाम के लिए। उन अबवाब को और उसके तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो हदीसें जिक्र की हैं मैं आपके सामने रखता हूं ताकि अंदाजा हो सके कि ख्वातीन इस्लाम को दीन इल्म हासिल करना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है और उसकी इस्लाम में अहमियत क्या है। सबसे पहला बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बांधते हैं, बाब तालीम الرجل اهله وامته, तालीम الرجل اهله وامته, कि आदमी अपनी लौंडी और अपनी बीवी को दीन इल्म सिखाए, अपनी बीवी और अपनी लौंडी को दीन इल्म सिखाए, ये बाब है। और इसके तहत इमाम बुखारी रहमहुल्ला ने हदीस जिक्र की अबू उर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु की। हदीस क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन किस्म के इंसान ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला डबल सवाब अता करेगा, डबल अजर से नवाजेगा। इबादत एक लेकिन सवाब डबल, सुभान अल्लाह। तीन किस्म के इंसान, तीन किस्म के मुसलमान ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उनको दुगना अजर अता करेगा, दुगने अजर से नवाजेगा। तीन किस्म के इंसान कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला वो आदमी जो अहले किताब में से है, यहूदी है या ईसाई है, वो अपने नबी पर ईमान रखता था और साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद आप पर ईमान लाता है, आपकी नबूवत और रिसालत को तस्लीम करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला अहले किताब में से अगर कोई आदमी मुसलमान होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है, तो उसको दुगना सवाब अल्लाह ताला अता करेगा।
डबल अजर अल्लाह ताला उसको अता करेगा। ये पहला शख्स। दूसरा वो आदमी, दूसरा वो शख्स, किसी के पास गुलाम है, किसी के मातहत है, लौंडी है, गुलाम है, वो अपने मालिक का हक भी अदा करता है और अल्लाह ने जो हुकूक उस पर फर्ज किए हैं उन हुकूक को भी अदा करता है, उनको भी बजा लाता है, तो अल्लाह ताला उसको दुगना अजर डबल सवाब अदा करेगा। गुलाम अपने आका का हक भी अदा करता है और साथ में अल्लाह के हुकूक को भी बजा लाता है, तो अल्लाह ताला उसको डबल सवाब अता करेगा। और तीसरा वो आदमी, तीसरा वो शख्स कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके मातहत कोई लौंडी है, अपनी लौंडी को वो अदब सिखाता है, तालीम देता है, अदबह फअहसन तादीबह وعلمها فأحسن تعليمها। आप अल्फाज पर गौर कीजिए, सिर्फ तालीम काफी नहीं बल्कि तालीम के साथ अदब जरूरी है, और जिस तालीम के साथ इंसान को अदब ना आए, जो तालीम इंसान को तज़किया न सिखाए, उसके नफ्स को पाक न करे, ऐसे इल्म का कोई फायदा नहीं। तालीम के साथ अदब बहुत जरूरी है, अदब ना हो तो वो तालीम बेकार है। ऐसी तालीम इल्म नाफे नहीं बल्कि इल्म वार है, ऐसा इल्म जो इंसान को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने इस हदीस में जो बात बयान की कि किसी इंसान के मातहत कोई लौंडी है, लौंडी को अदब सिखाता है और साथ में तालीम देता है, अदब भी अच्छा सिखाता है, तालीम भी अच्छी देता है, उसके बाद उस लौंडी को आजाद कर देता है, आजाद करने के बाद उससे निकाह कर लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उसको डबल सवाब अता करेगा, दुगना अजर अल्लाह ताला उसको अता करेगा। यहां लौंडियों का जिक्र किया गया है। इमाम बुखारी रहिमहुल्ला ने इस हदीस से इस्तिंबात किया कि सिर्फ लौंडी को तालीम देना काफी नहीं बल्कि जहां लौंडी को तालीम देने पर शरीयत इस्लामिया इंसान को उभारती है, वह इंसान को चाहिए कि शरीयत इस्लामिया अपने अहलो अयाल अपने बीवी को तालीम देने पर भी उबारती है। लौंडी का जिक्र किया गया और उससे इमाम बुखारी ने मसला मुस्तम्बत किया, कहा कि लौंडी के साथ अपनी बीवी को तालीम देना भी जरूरी है। हम में से कितने इंसान ऐसे हैं, निकाह कर लेते हैं, शादी ब्याह हमारी हो जाती है, निकाह हो जाने के बाद, शादी ब्याह के बाद बसा औकात हमारे मातहत आने वाली हमारी बीवी पढ़ी लिखी नहीं होती, कुरान की तालीम से बहरवन नहीं होती, कुरान की तालीम से दीन की तालीम से बखूबी आगाह नहीं होती। उस बीवी को जो हमारे मातहत होती है उसको तालीम देने का हमने कितना एहतमाम किया। मेरे दोस्तों, अगर हमने उसको तालीम दिया निकाह के बाद भी अदब सिखाया तो बसा औकात अल्लाह ताला हमको दुगना सवाब अता करेगा, डबल अजर डबल सवाब से नवाजेगा। इसी को इमाम बुखारी रहिमहुल्ला ने बयान किया, तालीम और रजुल अहलहु अमता, कि मुसलमान अपनी बीवी को भी तालीम दे, मुसलमान अपनी लौंडी को भी सिखाए। कितने अइम्मा ऐसे थे कि उनकी बीवियां निकाह होने से कबल जिहालत आम थी, अनपढ़ थी, तालीम से दूर थी। कितने ही अइम्मा निकाह करने के बाद अपनी बीवियों को तालीम देते हैं, अपनी बीवियों को तालीम देते हैं, हाफिजा बनाते हैं, मुफस्सिरा बनाते हैं, मुहद्दिसा बनाते हैं, हदीस के हिफ्ज करने वाली बनाती हैं। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, ये पहला बाब था खवातीन के तालीम के ताल्लुक से जिसको इमाम बुखारी रहिमहुल्ला ने किताबुल इल्म के मातहत जिक्र किया। दूसरा बाब इमाम बुखारी रहिमहुल्ला बयान करते हैं, बाब इज़्ज़तुल इमाम अन्निसा व तालीमुहुन।
इमाम का औरतों को नसीहत करना और उनको इल्म सिखाना। मस्जिद का इमाम है, मस्जिद का इमाम औरतों को नसीहत करेगा। किस दिन? ईद के दिन। किस लिए? उनको सिखाने के लिए, उन्हें तालीम देने के लिए। वाद कहेगा, नसीहत करेगा और दीन का इल्म उनको सिखाएगा, जो जरूरी अहकाम है उनको बताएगा। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस जिक्र की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद का खुतबा दिया। ईद का खुतबा देने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझने लगे कि शायद औरतों को सुनाई नहीं दिया, औरतों ने खुतबे से फायदा नहीं उठाया जैसे मर्द फायदा उठाते। इसीलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास आए। आपके साथ बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों को नसीहत की अलाहिदा ईद के दिन। खास मौका है, सारी औरतें इकट्ठी हैं, जमा हैं, खास मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों को भी नसीहत की और नसीहत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सदके पर उभारा, सदके का हुक्म दिया। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं, बिलाल रजी अल्लाह तआला अपना कपड़ा फैलाए हुए हैं सदके को जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों को सदके पर उभारा तो औरतें अपनी बालियां और अपनी सोने की अंगूठियां बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के कपड़े में डालने लगी। ये औरतों पर असर था, सदके का असर था कि आपने सदके का हुक्म दिया और औरतें उसी वक्त सदका करने लगी, अपनी अंगूठियां और अपनी बालियां अपने कानों से उतार कर बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के कपड़े में जमा करने लगी, इकट्ठी करने लगी। आप अंदाजा लगाएं कि औरतों को तालीम देने की कितनी अहमियत है। ईद के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझकर कि शायद औरतों ने मर्दों के लिए जो खुतबा मैंने दिया सुन न सकी होंगी, ये सोचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास आते हैं और औरतों से खुसूसी खिताब करते हैं, औरतों से खुसूसी खिताब करते हैं, सदके की तालीम देते हैं, सदके पर उबारती हैं और औरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताब से मुतासिर होकर, खिताब से मुतासिर होकर अपनी अंगूठियां और अपनी बालियां बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के कपड़े में जो फैलाए हुए थे सदके को जमा करने के लिए, इकट्ठे करने के लिए उसमें डालने लगी। ये दूसरा बाब है जिसको इमाम बुखारी रहिमहुल्ला ने ख्वातीन के ताल्लुक से किताबुल इल्म में जिक्र किया। तीसरा बाब ख्वातीन के इल्म के ताल्लुक से इमाम बुखारी रहिमहुल्ला बयान करते हैं कि क्या इमाम एक अलग दिन औरतों को तालीम देने के लिए, उन्हें नसीहत करने के लिए मुकर्रर कर सकता है? एक अलाहिदा वक्त, अलाहिदा दिन औरतों की तालीम के लिए खास कर सकता है? उसके तहत इमाम बुखारी रहिमहुल्ला ने एक हदीस बयान की कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास औरतें आती हैं, शिकायत करती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बयान उमूमन मर्दों के लिए होता है, आप गालिबन मर्दों से खिताब करते हैं, आप हमारे लिए कोई दिन मुकर्रर कीजिए जिस दिन हम औरतें इकट्ठी हो, जमा हो, आप उस दिन आए और हमें नसीहत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को तालीम देने के लिए, दीनी इल्म सिखाने के लिए एक अलग दिन मुकर्रर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन औरतों के पास आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
औरतों से नसीहत करते हुए, उन्हें वसीयत करते हुए फरमाया कि तुम में की कोई औरत उसकी जिंदगी में उसकी तीन औलाद का इंतकाल हो जाता है, अपने से आगे भेज देती है, उसकी जिंदगी में उसकी तीन औलाद का इंतकाल हो जाता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी इंतकाल शुदा ये तीन औलादें उसके लिए जहन्नम से हिजाब और आड़ बन जाएंगी, जहन्नम से हिजाब और आड़ बन जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतें सवाल करती हैं, औरतें पूछती हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर हम में से किसी औरत के दो बच्चों का इंतकाल हो जाए, दो बच्चे फौत हो जाए, तो क्या ये दो बच्चे भी कल कियामत के दिन उसके लिए जहन्नम से आड़ और जहन्नम से रुकावट बन जाएंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी औरत के दो बच्चों का इंतकाल होता है तो उम्मीद है कि ये दो बच्चे भी कल कियामत के दिन उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएं, रुकावट बन जाए। इस हदीस पर आप गौर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को तालीम देने के लिए, उन्हें दीनी इल्म सिखाने के लिए एक अलग वक्त अलग दिन मुकर्रर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतें जमा होने के बाद उनके पास आते और उन्हें दीन की तालीम देते। इस मसले की वजाहत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब में की और इस हदीस से इस्तिंबात किया। इस हदीस से एक और बात भी मालूम होती कि कोई इश्काल पैदा होता है दीनी तालीम हासिल करते हुए, औरतें सवाल करती हैं, औरतें सवाल करके अपने इश्काल को दूर करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला बयान किया, औरतों को इश्काल हुआ, दो के बारे में औरतों ने सवाल करते हुए अपने इश्काल को दूर किया। तालीम का तरीका है, सीखने और सिखाने का ये वसीला है, ये मनहज है, ये तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ इख्तियार किया। लिहाजा औरतों को सीखने के लिए और अपने इश्कालात को दूर करने के लिए सवालात करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, आर नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि अइम्मा कहते हैं, सलफ कहते हैं कि दो किस्म के लोग कभी इल्म हासिल नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते। पहला वो आदमी जो शर्माता है, इल्म हासिल करने में जो शर्म महसूस करता है वो कभी सीख नहीं सकता है। इल्म हासिल करने में कोई शर्म माने नहीं होनी चाहिए। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंसारी औरतों की तारीफ करती हैं। किस बात पर उनकी तारीफ होती है? तारीफ करते हैं कि नेमन निसा व निसा उल अंसार, कि अंसार की औरतें क्या ही बेहतरीन औरतें हैं कि कभी सवाल करने में, दीन को सीखने में, इल्म हासिल करने में शर्म माने नहीं हुई। अंसार की औरतें जिस किस्म का भी सवाल हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती, सवाल करती, सवाल करके दीन इल्म हासिल किया करती थी। इसी बिना पर आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अंसारी औरतों की तारीफ की। शर्माने वाला वसा औकात, आप देखते होंगे कि दीन इल्म हासिल किए बगैर उम्र का अक्सर हिस्सा गुजर चुका है। किसी की उम्र 40 साल, किसी की 50 साल, 30 से तजावुज कर चुके हैं। बसा औकात इंसान सोचता है, ख्वातीन इस्लाम भी सोचने लगती हैं कि उम्र का इतना हिस्सा गुजर चुका है, अब क्या सीखें, क्यों सीखें? सीखने में शर्म आर नहीं होनी चाहिए। हया आ गई, शर्म आ गई, तो मेरे दोस्तों ऐसा इंसान कभी सीख नहीं पाता है। अइम्मा को देख लें, सहाबा किराम मुसलमान होते हैं, किसी की उम्र 40 साल, किसी की 50 साल, कोई 60 साल से तजावुज कर चुका है, उसके बावजूद इस्लाम लाने के बाद कभी सीखने में आर महसूस नहीं करते, शर्म माने नहीं होती। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला मुसलमान होने के बाद
अपने एक अंसारी सहाबी के साथ इत्तेफाक करते हैं। किस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में दीने इल्म सीखने के लिए मैं जाऊंगा। जिस दिन मैं जाऊं अंसारी सहाबी कस्बे माश के लिए, रोजी रोटी हासिल करने के लिए, कमाने के लिए बाजार जाएंगे, और दूसरे दिन अंसारी सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में शरीक होंगे। उस दिन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला कस्बे माश के लिए बाजार जाएंगे, रोजी रोटी कमाएंगे, और सीखा हुआ इल्म दोनों आपस में एक दूसरे के दरमियान मुजाकरा करते हुए जो इल्म उन्होंने सीखा है दूसरे आदमी को बताएंगे। मेरे दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नौजवानी की उम्र में कदम रख चुके हैं, 30 साल से ज्यादा उम्र है, उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दिन आते, बैठते, इल्म हासिल करते, इल्म सीखते, शर्म माने नहीं हुई। और दूसरा शख्स जो इल्म हासिल नहीं कर सकता, सीख नहीं सकता, तकब्बुर करने वाला, गुरूर करने वाला, मुझे सीखने की क्या जरूरत। बस औकात थोड़ा सा इल्म सीख लिया, एक मसला मालूम कर लिया, एक मसला या थोड़ा सा इल्म सीखने के बाद गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो गया कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, अपने आप को ऊंचा समझने लगता है, उसको दूसरों के सामने बैठने और सीखने में आर महसूस होती, गुरूर का शिकार होकर दूसरों को हकारत की नजर से देखता है, इसके सामने मैं क्यों बैठूं, क्यों इल्म हासिल करूं। इमाम बुखारी रहमहुल्ला कौल नकल करते हैं अपने असाजा का, ला यकूनुल आलिमु आलिमन औ ला यकून अर्रजुल मुहद्दिसन हत्ता हुवा याखुद अम्मन हुवा फौका व अम्मन हुवा मिथला व अम्मन हुवा दूना, कि कोई आदमी उस वक्त तक इल्म नहीं सीख सकता, हदीसे मालूम नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने से ज्यादा पढ़े लिखे से ना सीखे, या अपने हम मिसल अफराज से इल्म हासिल ना करे, या अपने से जो नीचे है कमतर इल्म वाले हैं उनसे ना सीखे। जब तक इन तीन किस्म के अफराज से इल्म हासिल ना करे तब तक कोई आदमी हकीकी मानों में आलिम नहीं बन सकता, तालिबे इल्म नहीं बन सकता, नहीं सीख सकता। इसीलिए ख्वातीन ने इस्लाम को चाहिए कि दीन इल्म हासिल करने में अगर उम्र के अक्सर हिस्सा गुजार चुकी हैं, उम्र के 40 साल 50 साल वो गुजार चुके हैं, उसके बावजूद उन्हें चाहिए कि दीन इल्म को हासिल करें और उसको सीखने की कोशिश करें। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियात को दीनी इल्म सिखाने का कितना अहतमाम करते। कोई सहाबी माल मांग लेता, माल का मुतालबा करता, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल के बजाय दीनी इल्म हासिल करने की तरफ उसकी रहनुमाई करते। बहुत मशहूर मारूफ रिवायत है, फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपकी चहेती बेटी, अली रजी अल्लाह तआला अन्हों से शादी होने के बाद, निकाह करने के बाद काम करते करते चक्की पीसते पीसते हाथों में छाले पड़ गए, तकलीफ देखी नहीं गई। अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अपनी बीवी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाती हैं, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम आए हुए हैं, एक गुलाम अपने लिए मांग लो, एक गुलाम अपने लिए तलब कर लो, काम करने में आसानी होगी, तुम्हारा हाथ बिठाएगा। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद नहीं है। अपना माजरा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के सामने बयान किया, चली गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में दाखिल होते हैं, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने
फातिमा के फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के आने का जिक्र किया कि आपकी बेटी आई थी, आपको ना पाकर वापस चली गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर आते हैं, घर में दाखिल होते हैं, देखा कि दोनों सोने के लिए जा चुके हैं बिस्तर पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उठना चाहा, नबी अलैहि सलाम ने उठने से मना कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, दोनों के दरमियान बैठ गए। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक की ठंडक को मैं अपने सीने में महसूस कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम दोनों से कहा कि क्या मैं तुम्हें गुलाम और खादिम से ज्यादा बेहतर बात न सिखाऊं, बेहतर बात तुम्हें न बताऊं जो तुम दोनों के लिए गुलाम से खादिम से ज्यादा बेहतर है। दोनों कहते हैं कि या रसूल अल्लाह जरूर बयान कीजिए, जरूर सिखाइए। इल्म के हरीस थे, इल्म की तड़प दोनों के पास पाई जाती थी। इल्म की बात सुनकर दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करते हैं, इल्तिमास करते हैं कि हमें गुलाम नहीं चाहिए, खादिम नहीं चाहिए, जो बात हमें आप सिखाना चाहते हैं सिखा दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों से फरमाया कि तुम्हारे लिए जो बात मैं सिखाने जा रहा हूं ये गुलाम से ये खादिम से ज्यादा बेहतर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर आ जाओ, जब तुम दोनों सोने के लिए आराम करने के लिए बिस्तर पर आ जाओ तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर का एहतमाम कर लो, ये तुम्हारे लिए गुलाम और खादिम से ज्यादा बेहतर है। एक मसला सीख लिया, एक मसला मालूम कर लिया, इल्म का फायदा देखिए। अली बिन नबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने मसले को सीखने के बाद मालूम करने के बाद कभी अपने जिंदगी में जिक्र को तर्क नहीं किया, नहीं छोड़ा, कभी उनकी जिंदगी में यह जिक्र उनसे फौत नहीं हुआ। क्या भाई सवाल करते हैं अली बिन नबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कि लैलतुस्सिफ़ीन, सिफ़ीन की रात, जिस रात आप जंग में मसरूफ थे, जंग खत्म होने के बाद थके हुए थे, क्या उस रात भी आपने इस जिक्र का एहतमाम किया, उस रात भी आपने इस जिक्र का एहतमाम किया था? अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि सिफ़ीन की रात भी मैंने इस जिक्र का एहतमाम किया, उस रात भी ये जिक्र मुझसे फौत नहीं हुआ, नहीं छूटा। आप अंदाजा लगाएं, इल्म इंसान को अमल पर उभारता है, अल्लाह की खशियत अता करता है, अल्लाह का तकवा सिखाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सबसे ज्यादा तकवे वाले, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह की खशियत और खौफ रखने वाले उलमा हैं। जितना ज्यादा इल्म होगा दीन का उतनी ज्यादा रब की खशियत होगी, उतना ज्यादा अल्लाह से डरेगा। दीन इल्म का फायदा है, ख्वातीन इस्लाम अगर इल्म हासिल करती हैं, इल्म सीखती हैं, अल्लाह की खशियत पैदा होगी, अल्लाह का खौफ उनके दिलों में आएगा। सहाबा इकराम उनकी ख्वातीन कभी दीन के इल्म के हासिल करने में कोताही नहीं करती। अब देख लें, सईद बिन मुसैब रहिमहुल्ला की बेटी कुरान की हाफिजा थी, आलिमा थी, मुहद्दिसा थी, अपने एक शागिर्द से निकाह कर देते हैं सईद बिन मुसैब रहिमहुल्ला, सैयदुत ताबईन। निकाह होने के बाद जब सुबह वो सईद बिन मुसैब रहिमहुल्ला की महफिल में शरीक होना चाहे, जाना जाकर इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो उनकी बेटी फरमाती है कि तुम बैठ जाओ, सईद बिन मुसैब का इल्म मैं तुम्हें दूंगी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, यह इल्म मैं तुम्हें दूंगी। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, ख्वातीन इस्लाम इल्म हासिल करती हैं, सबसे बड़ा फायदा उनके पलने, उनके गोद में पलने वाले बच्चे आलिम होंगे, उनके गोद में पलने
बच्चे हाफिज होंगे, उनके गोद में पलने वाले बच्चे अल्लाह से डरने वाले होंगे, दीनी अहकामात को सीखे हुए होंगे। इसीलिए आप देख लें जितने बड़े मुहद्दिस पैदा हुए, जितने बड़े अइम्मा पैदा हुए, जितने बड़े हाफिज पैदा हुए, जितने बड़े मुफस्सिर पैदा हुए, उनको बनाने में, उनको संवारने में, उनको अदब सिखाने में, उनको तालीम देने में सबसे ज्यादा उनकी माओं का किरदार था। माओ ने अपने बच्चे को बनाया, उनको सिखाया, हाफिज बनाया, उनको तालीम दी, उनकी तरबियत की, उनको अदब सिखाया, उनके नफूस का तस्किया किया। इमाम शाफी रहिमहुल्ला दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद, बिल इत्तेफाक दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद माने गए। मुजद्दिद कौन? सुन्नत मुर्दा होने के बाद उनको जिंदा करता है, बिदतों को खत्म करता है, शिर्क को ज़रूए ज़मीन से खत्म करने की कोशिश करता है। दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद उनको बनाने में, उनको संवारने में, उनको तालीम देने में, उनको सिखाने में, उनका तज़किया करने में उनकी माँ का सबसे बड़ा हाथ था। माँ खुद आलिमा, खुद हाफिजा, खुद फकीहा। हाफिज इब्न हजर रहिमहुल्ला ने फतहुल बारी में उनकी मां के ताल्लुक से एक बात नकल की, कहा कि एक मर्तबा इमाम शाफी रहिमहुल्ला की मां काजी की महफिल में गवाही देने के लिए हाजिर होती, और आप जानते हैं कि गवाही एक आदमी के मुकाबले में या एक आदमी के बराबर दो औरतों की गवाही होती है। दो औरतों की गवाही एक मर्द आदमी के बराबर शुमार होती है। दो औरतें आए, गवाही पेश करना चाहा, कादी ने कहा कि मैं तुम दोनों औरतों की अलग अलग गवाही कलमबंद करूंगा, अलग अलग गवाही लूंगा। उसने चाहा कि एक औरत को दूसरे से अलग कर दे। इमाम शाफी रहमहुल्ला की वालिदा फरमाती हैं, वो कहती हैं कि हम दोनों एक साथ गवाही देंगे, आप अलग गवाही नहीं ले सकते, अलग गवाही कलमबंद नहीं कर सकते, गवाही हम दोनों देंगे, साथ में देंगे। कादी ने इमाम शाफी रहिमहुल्ला की बात पर, वालिदा की बात पर एतराज किया, तो इमाम शाफी रहिमहुल्ला की वालिदा कुरान मजीद की आयत से इस्तदलाल करती, कुरान मजीद की आयत से इस्तदलाल करती हैं और कहती हैं कि जब औरतें अपनी गवाही तहरीर करने के लिए काजी की महफिल में लाई जाएं और गवाही दें, एक औरत अगर भूलने लगे फतुज़क्किर अहदाहुमल उखरा तो दूसरी औरत याद दिलाएगी, दूसरी औरत याद दहाने करवाएगी, याद दिलाएगी। अल्लाह ताला ने याद दिलाने की बात कुरान मजीद में जिक्र की है, कुरान मजीद में बयान की है। अगर कुराने आप गवाही कलमबंद करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो दोनों औरतों की गवाही को साथ में लिखोगे, अलग अलग तहरीर नहीं करोगे। हाफिज इब्न हजर रहिमहुल्ला ने इस वाकये को नकल करने के बाद तालीक चढ़ाते हुए कहा कि इससे इस बात का पता चलता है कि इमाम शाफी रहिमहुल्ला की वालिदा दीनी अहकामात को समझने वाली थी, कुरान को पढ़ी हुई थी, कुरान से इस्तेमबात करने वाली थी। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, इसी का असर है कि उन्होंने अपने बच्चे की तरबियत की, और पैदाइश फलस्तीन में, इमाम शाफी रहमहुल्ला पैदा हुए फलस्तीन में, लेकिन उनकी वालिदा कहीं इस डर से कि इमाम शाफी जाय ना हो जाएं, बेकार ना चले जाएं, वालिद का इंतकाल हो चुका था, अपने बच्चे को मक्का लाती हैं जहां उलमा की महफिलें जमती थी, जहां उलमा दीन की बात को सिखाया करते थे, हरम में पढ़ाया करते थे, वहां अपने बच्चे को लाती हैं और अपने बेटे से कहती हैं कि बेटा जाओ, दीन की मजलिसें जमी हुई हैं, लगी हुई हैं, दीन सिखाया जा रहा है, वहां दीन को सीख लो। इसी वजह से, इसी तरबियत का असर था कि इमाम शाफी रहिमहुल्ला दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद करार पाते हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्ला, उनकी वालिदा फजर से पहले उन्हें बेदार करती, फजर से पहले उन्हें उठाती, अपने बच्चे को गुस्ल कराती, तहज्जुद की नमाज जितना एहतमाम कर सकती थी अपने बच्चे के साथ तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करती, मस्जिद लाती, फजर की नमाज
अदा करने के बाद अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा जाओ दीने इल्म सीख लो, मस्जिद में इल्म सिखाया जा रहा है, अपने बच्चे को दीन की तालीम की तरफ रागिब करते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्ला की वालिदा ने उनको इल्म सिखाया, इमाम शाफी रहमहुल्ला की वालिदा ने उनको दीन का इल्म सिखाया, इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमहुल्ला की वालिदा ने उनको दीन का इल्म सिखाया, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्ला की वालिदा ने उनको दीन का इल्म सिखाया। गौरव है कि दीन का इल्म सिखाने में, मुहद्दिस बनाने में, मुफस्सिर बनाने में माओं का बड़ा किरदार रहा है। ख्वातीन इस्लाम अगर दीनी तालीम हासिल की हुई है तो बच्चे की तरबियत पर उसका अच्छा असर होता है, अदब सिखा सकती हैं, कुरान की तालीम दे सकती हैं और उनकी बेहतरीन अंदाज में तरबियत कर सकती हैं। इसीलिए ख्वातीन इस्लाम को चाहिए कि दीन की इल्म की अहमियत को समझें कि दीन इल्म कितना अहम है, क्यों जरूरी है। जिहालत एक बीमारी है, जिहालत एक बीमारी है, मुआशरे से इस बीमारी को खत्म करने की जरूरत है और माशरे के इस बीमारी को ख़त्म करने में सबसे बड़ा किरदार अगर कोई अदा कर सकता है तो वो इंसान की माँ है। माँ अपने बच्चे की तालीम और तरबियत का एहतमाम करके माशरे से जिहालत को ख़त्म कर सकती है, जिहालत को दूर कर सकती है, अपने बच्चे को आलिम बना सकती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा बच्चे की तरबियत का, उन्हें एम सिखाने का माँ बाप को याद रखना चाहिए, खुसूसन ख़वातीन इस्लाम को याद रखना चाहिए कि आपका बच्चा दीनदार बनता है, बाअमल आलिम बनता है, कुरान मजीद की सूरतों को याद करने वाला बनता है, इंतकाल के बाद वो आपके हक में दुआ करने वाला बनेगा या आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारे चीजों का सवाब और अजर का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, खत्म हो जाता है, इल्ला मिन थलाथ, सिवाय तीन चीजों के। उसमें एक चीज की तरफ इशारा करते हुए कहा औलदिन सालेह यदउला, साले औलाद माँ बाप छोड़कर चले जाते हैं, साले औलाद माँ बाप के हक में दुआए खैर करती है तो अल्लाह ताला उसको सदका जारिया बनाता है, सदका जारिया बनाता है। एक हदीस बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र में इंसान जब दफनाया जाता है, कब्र में दफनाए जाने के बाद उसके दर्जात बुलंद हो रहे हैं, ऊँचे हो रहे हैं, बंदा परेशान है, हैरान है कि मेरे दर्जात ऊंचे किए जा रहे हैं, बुलंद किए जा रहे हैं, क्या बात है। वजह क्या है? अपने रब से सवाल करता है कि मेरे आमाल का सिलसिला तो मुनक़ते हो चुका है, खत्म हो चुका है, फिर मेरे दर्जात कैसे ऊंचे हो रहे हैं, कैसे बुलंद हो रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब दिया जाता है, जवाब आता है, उससे कहा जाता है कि तूने जो नेक औलाद छोड़ी थी, तेरी नेक औलाद तेरे लिए दुआ कर रही है, तेरी मगफिरत के लिए, दर्जात की बुलंदी के लिए, इसीलिए कब्र में तेरे दर्जात बुलंद हो रहे हैं, ऊंचे किए जा रहे हैं। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, बाप तालीम याफ्ता होगा, माँ तालीम याफ्ता होगी, अपने बच्चे की तालीम की फिक्र करेंगे, अपने बच्चे को नेक बनाने की कोशिश करेंगे, उसका असर इंसान को कब्र में मरने के बाद हासिल होगा। हो सकता है दुनियावी तालीम का फायदा आपको दुनिया में मिल जाए लेकिन दीनी तालीम का फायदा बसा औकात दुनिया में इंसान को नहीं मिलता, मिलता कहाँ, उसका फायदा उसका नफा इंसान को कब्र में हासिल होता है। लिहाजा हम तमाम को चाहिए कि दीनी तालीम के फिक्र करें, जो जरूरी अहकाम शरीयत शरीयत इस्लामिया ने बयान किए हैं उनको सीखने और उनको सिखाने की कोशिश करें। सबसे बेहतरीन चीज जो इंसान सीखता है, इंसान सिखाता है, कुरान मजीद की तालीम है। कुरान मजीद को याद करना है, अल्लाह के कलाम से अपने ताल्लुक को मजबूत करना है। खैरुकुम मन चाल्लमल कुरान वाल्लमा, तुम में सबसे अच्छा वो इंसान है जो कुरान को सीखता है, कुरान को सिखाता है। तो सबसे बेहतरीन बनने की हमें कोशिश करनी चाहिए। रब करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को दीनी तालीम को समझकर उसको हासिल करने की तौफीक अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए और अल्लाह ताला जब तक जिंदा रखे इल्म वाला
और इल्म को हासिल करने वाला, इल्म से मोहब्बत करने वाला अल्लाह ताला बनाकर जिंदा रखे। तौहीद पर अल्लाह ताला जिंदगी अता फरमाए, मौत दे तो अल्लाह तौहीद और ईमान पर मौत अता फरमाए, जन्नत में जगह दे, जहन्नम और कब्र के अदाब से बचाए। आमीन। व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।